आखिर क्यों सनी देओल भड़क उठे थे कंगना रनौत पर, और कंगना ने सनी देओल के बारे में ऐसा क्या बोल दिया कि जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया था। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों सनी देओल और कंगना के बीच जंग छिड़ गई थी। सनी देओल को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफी शालीन अभिनेताओं में से एक माना जाता है, लेकिन सनी बाजी को जब गुस्सा आता है तो वो किसी की परवाह नहीं करते, और ठीक ऐसे ही कुछ उन्होंने नेपोटिज्म के मुद्दे को लेकर किया। दरअसल जैसे सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल क्वीन कहलाए जाने वाली कंगना रनौत बीते कई सालों से लगातार नेपोटिज्म का मुद्दा पूरी दुनिया भर में उठा रही है, साथ ही कई सारे स्टार किड्स पर अपना निशाना भी साधा। इसी कड़ी में सनी देओल ने कंगना का नाम बिना लिए हुए उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है। चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों सनी देओल को नेपोटिज्म के मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी गई। नेपोटिज्म शब्द की शुरुआत आज से कई साल पहले कंगना रनौत के मुंह से जन्मी थी, और इस मुद्दे पर काफी बहस भी देखने को मिली, जहां पर कई सारे स्टार किड्स को लेकर जमकर निशाना भी साधा जाता है। और कंगना रनौत उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक है जो नेपोटिज्म के मुद्दे पर खूब बहस करना चाहती है। बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर पर कई बार ये उन्माद भी लग चुका है कि उन्होंने नेपोटिज्म मुद्दे को खूब बढ़ावा दिया। लेकिन इस बारे में जब सनी पाजी से पूछा गया तो सनी पाजी का कुछ और ही जवाब था। सनी देओल इन दिनों अपने छोटे बड़े राजवी देओल की फिल्म को लेकर काफी चर्चाओं में है। ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन बीते कुछ दिन पहले जब वो दोनों फिल्मों के प्रमोशन के दौरान मीडिया प्रदर्शन कर रहे थे, तो मीडिया कवरेज के दौरान जब उनसे नेपोटिज्म शब्द मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश की गई, तो इस पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने बच्चों के मुद्दे पर खुलकर बातचीत करते हुए कहा कि एक बाप अपने बच्चों के लिए अगर कुछ करें तो उसे अपना नेपोटिज्म कहेंगे, अगर बाप अपने बच्चों के लिए नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसके साथ ही सनी ये भी कहते हैं कि जिन्होंने सफलता नहीं मिली, जो लोग अपने करियर को लेकर परेशान हैं, वो लोग नेपोटिज्म का रोना धोना करते हैं। मुझे लगता है कि नेपोटिज्म के मुद्दे पर इतना ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। तो इसी बात के चलते अब लोगों को कहना है कि कहीं ना कहीं अभिनेता सनी देओल ने सीधे तौर पर कंगना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कंगना रनौत के नेपोटिज्म वाले मुद्दे पर अपनी बेबाक तरीके से बात रखी है। और कहीं ना कहीं कोई बात भी हो सकती है, क्योंकि कंगना का नाम लिए बिना उन्होंने बच्चों के मुद्दे पर जो बातें कही हैं, वो कहीं ना कहीं कंगना के दिल को छू सकती है। ऐसे बात करें कंगना रनौत और सनी पाजी के रिश्ते को लेकर, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में गदर 2 फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी, तो गदर 2 को सपोर्ट में अभिनेत्री कंगना रनौत आई थी और कंगना ने सनी पाजी की जमकर तारीफें की थी, साथ ही उन्हें भगवान तक बता दिया था। लेकिन कंगना रनौत और सनी देओल के रिश्ते बिल्कुल भी मधुर नहीं रहे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 2015 में आई आई लव एन वाई फिल्म में सनी देओल के अपोजिट कंगना नजर आई थी, और यही वो फिल्म थी जिसको करने के बाद सनी देओल के साथ हुए किसी फिल्म में काम नहीं किया। इसको करने के बाद कंगना का बयान भी काफी चर्चाओं में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सनी देओल के साथ कोई भी फिल्म में काम करना नहीं चाहती हूं, क्योंकि मेरा करियर उनके साथ काम करने पर बर्बाद हुआ था। इसी बात के चलते काफी ज्यादा सुर्खियां भी छाई थी। इस पर सनी को रिएक्शन दिया था, लेकिन इस पर संगठनात्मक अपनी चुप्पी तोड़ी थी और उन सभी खबरों को खारिज भी कर दिया था। हालांकि हाल ही में 11 अगस्त 2023 को जब सिनेमा घरों में गदर 2 रिलीज होती है, तो गदर के सपोर्ट में अभिनेत्री कंगना रनौत आती है। साथ ही उन्होंने कहा था कि गदर 2 इस साल की सबसे बड़ी ओपनर साबित होगी, और ऐसा हुआ भी। कलाकार ने ये भी कहा था कि सनी पाजी की बहुत बड़ी फैन हूँ। बात करें अगर इन दोनों अभिनेताओं के वर्क फ्रंट की, तो जैसे हम सभी जानते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अभिनेता सनी देओल को 40 साल से ज्यादा समय होने आए हैं, पर हाल ही में उनकी फिल्म गदर 2 सुपर डुपर हिट साबित हुई। आने वाले समय में सनी पाजी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं। तो दूसरी ओर कंगना की बात करें तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2006 में आई फिल्म के साथ किया था। ये फिल्म हिट साबित हुई। इस फिल्म में उनके किरदार की जमकर तारीफें हुई थी। इसके हिट हो जाने के बाद कंगना ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी और उनका नाम बॉलीवुड के तमाम बड़े नामचीन कलाकारों के साथ भी जुड़ा। इस समय अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म चंद्रमुखी 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। आने वाले समय में तेजस और इमरजेंसी जैसी फिल्मों को लेकर काफी चर्चाओं में बनी हुई है और इसी फिल्म को पूरा करने में लगी हुई है। लेकिन इस समय नेपोटिज्म के मुद्दे को लेकर सनी देओल के बयान की भी काफी चर्चाएं की जा रही हैं, और सनी देओल के इस बात से साफ तौर पर साबित हो चुका है कि उन्होंने नेपोटिज्म के मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया।
उन्होंने सभी बातों को लेकर उन्होंने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं कंगना रनौत से भी लोग जोड़कर देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।